ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد ساتواں ہے رجب ولادت حضرت عباس سے ابن امیر المومنین ہے. اسلامی نقطہ نظر سے انسان کی شخصیت میں چار پانچ عناصر کا اہم کردار ہوتا ہے. سب سے پہلے وراثت کا بڑا اثر ہوتا ہے. آج کی سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے, تسلیم کرتی ہے کہ خاندان کا, ماں باپ کا بچوں کی شخصیت بننے یا بگڑنے میں بڑا اہم کردار ہوتا ہے. آج سائنس اسے جینز کا نام دیتی ہے کہ ماں باپ کے صفات بچے میں جینز کے ذریعے سے منتقل ہوتے ہیں. حدیثوں میں اسی کو کہا گیا ہے عرق, عرق کے نام سے یاد کیا گیا ہے. یہ وہ حقیقت ہے جسے اسلام بھی قبول کرتا ہے اور آج کی سائنس بھی اسے مانتی ہے. اسلام نے اگر یہ بات بتائی تو ظاہر سی بات ہے جس خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی نے اسلام بنایا ہے. اسلام تو اسی کا ہے نا بنایا ہوا. جس وقت جناب مریم اپنی آغوش میں جناب عیسیٰ کو لے کر کے آئی ہیں تو یہودیوں نے انہیں گھیر لیا. تو جناب مریم کنواری تھی, شادی شدہ نہیں تھی. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے ہارون کی بہن, یہ بتاؤ کہ نہ تمہارا باپ بد کردار تھا نہ تمہاری ماں بد کردار تھی, پھر یہ بچہ کیسے, تم کیسے بد کردار ہوں گی؟ گویا جناب مریم کی عصمت پر حرف آ رہا تھا, اعتراض تھا. اسے قرآن نے نقل کیا ہے. ماں باپ اگر برے ہوں تو بچہ برا ہو سکتا ہے.
तो एक चीज जो इंसान की शख्सियत की तश्कील में अहम किरदार अदा करती है वो है मां बाप की शख्सियत। अमीरुल मोमिनीन जनाब अकील से कहते हैं कि अकील एक ऐसे खानदान का पता बताओ जो बहादुरों का खानदान हो। क्यों, क्या क्या करना है? मैं उस खानदान में शादी करना चाहता हूं ताकि मैं उस मेरी उस जौजा के बतन से एक बहादुर बच्चा पैदा हो। अमीरुल मोमिनीन खुद बहादुर हैं लेकिन बच्चे में असरात मां और बाप दोनों के आते हैं। अली शुजा हैं, अली बहादुर हैं, एक मां की जरूरत है जो शुजा और बहादुर खानदान की हो। उस वक्त जनाब अकील ने जनाब उम्मुल बनीन का उनको पता दिया और उससे अमीरुल मोमिनीन ने शादी की। तो असर बच्चे में दोनों का आता है। जब जनाब अब्बास की विलादत हुई है मौलाए कायनात ने नाम अब्बास रखा। देखिए नाम तो हमारे यहां भी रखा जाता है लेकिन यूं ही रख देते हैं नाम। फासिक व फाजिर का नाम जाहिल रख देते हैं, जाहिल का नाम आलिम रख दिया जाता है। मुनासिबत नहीं देखी जाती हमारे यहां, लेकिन जब नाम रखने वाला अली हो तो बिला वजह नाम नहीं रखा जाएगा, एक नाम रख देना है। नहीं, जब मासूमीन अपने बच्चों का नाम रखते हैं तो इस्म बा मुसम्मा रखते हैं। अब्बास का माना मालूम है क्या है? अब्बास उस शेर को कहते हैं अरबी में जिसको देख करके सारे शेर भाग खड़े हों। जो शेरों का शेर हो उसे अब्बास कहते हैं। मौलाए कायनात ने नाम इनका अब्बास रखा। इस्लाम में बरतरी और फजीलत का एक मेयार है। कल ही मैंने अर्ज किया था कि यूं ही कुछ नहीं होता। किसी को बरतरी मिलती है, फजीलत मिलती है, तो फजीलत के कुछ मेयार होते हैं। इस्लाम ने तीन चीजों को फजीलतों का मेयार करार दिया है। एक इल्म है, एक तकवा है और एक जिहाद फी सबीलिल्लाह है। ये तीन चीजें वो होती हैं जिन्हें अल्लाह ने फजीलतों का मेयार करार दिया है। अगर आप किसी को फजीलत देना चाहते हैं, इज्जत की निगाह से देखना चाहते हैं, किसी को बुलंद मर्तबा और बुलंद मकाम देखना चाहते हैं तो न तो उसकी दौलत की बिना पर है, न उसके इकदार की बिना पर है। कुरान मजीद जब फजीलत इल्म को बयान करता है तो इरशाद होता है हल यस्तवी अल्लज़ीना यालमूना वल्लज़ीना ला यालमून, क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं? आलिम को जाहिल पर फजीलत हासिल है। आलिम को, लेकिन याद रखिएगा कि आलिम से मुराद यहां पर इस आयत शरीफा में सिर्फ वो नहीं है जिनके पास मालूमात का खजाना है, क्योंकि इस्लाम की निगाह में आलिम वही लायक एहतराम है जो बाअमल हो। अगर इल्म है और इल्म के मुताबिक अमल नहीं है तो जाहिर से बात है उसकी इस्लाम में कोई हैसियत नहीं है, बल्कि इत्तेफाकन वो इल्म उसके अजाब में इजाफे का सबब बनेगा। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम जनाब अबू ज़र को खिताब करके कहते हैं या अबा ज़र इन्ना अशद्द अन्नास अज़ाबन यौमल क़ियामा आलिमुन ला यंतफ़िउ बिइल्मिह। तो क़यामत के दिन नेक आमाल पे सवाब मिलेगा और बुरे आमाल पे अज़ाब। न सवाब में सब बराबर हैं न अज़ाब में सब बराबर हैं। कुछ का सवाब का मकाम बुलंद व बाला है, कुछ के सवाब का मकाम कमतर है। सब बराबर तो नहीं है। जो सवाब आयतुल्लाह है सिस्तानी, आयतुल्लाह है खामेनेई का है, वो सवाब हमारा तो नहीं ना है।
जो सवाब हबीब इब्ने मज़ाहिर का है वो सवाब आयतुल्लाह सिस्तानी का नहीं है, जो सवाब जनाब अब्बास का है वो सवाब तो हबीब इब्ने मज़ाहिर का भी नहीं ना है। तो सवाब में भी क्या है, दरजात है, अजाब में भी दरजात हैं, अजाब में भी दरजात हैं। जिन्होंने इमाम हुसैन को, जिस शम्र ने इमाम हुसैन को शहीद किया, उसका अजाब उन लोगों के बराबर नहीं है कि जिन्होंने इमाम हुसैन की सजा इस्तिगासा पे लब्बैक नहीं कहा। सजा तो इनको भी मिलेगी ना, सजा इनको भी मिलेगी, मगर इनका सजा, इनकी सजा शिम्र के सजा के बराबर नहीं है। किसी का अजाब कम है, किसी का अजाब ज्यादा है। पैगंबर जनाब अबू दर्र से खिताब करके कहते, या अबादर इन अशद अजाब यौम अल क़ियामा आलिम ला यंतफ़िउ बिइल्मे। अब क़यामत में सबसे ज्यादा अजाब किसके ऊपर है? अबू दर्र से कहते, सबसे ज्यादा अजाब उस आलिम के लिए है जो अपने इल्म पर अमल नहीं करता। हदीस में पैगंबर अकरम फरमाते हैं, अव्वल तो हम सिर्फ जानकारी हासिल कर लेने का नाम आलिम नहीं है। 10 साल हमने हौज़े इल्मिया में पढ़ लिया, 15 साल वो ये जो है कॉलेज में उन्होंने तालीम हासिल कर ली, इसे इल्म नहीं कहते हैं। पैगंबर फरमाते हैं कि आलिम वही है जो अपने इल्म पर अमल करे, चाहे थोड़ा ही सा इल्म क्यों ना हो। अला व इन्नल आलिम मन अमला बिइल्मिह व इन काना क़लीलल इल्म। आगाह हो जाओ, आलिम वो है जितना पढ़ा है उस पर अमल करता है, चाहे इल्म थोड़ा ही क्यों ना हो। एक वो है जिसने जाकर के 10 साल हौज़े इल्मिया में पढ़ा, एक भी 2 साल हौज़े में पढ़ा, अब बड़ा आलिम कौन है इसमें? हमारे हिसाब से तो वो 10 साल वाला बड़ा आलिम है, 2 साल वाला छोटा आलिम, यही है ना हमारा मेयार तो यही है। तो पैगंबर कहते नहीं, देखो इनमें से कौन है जो अपने इल्म पे अमल करता है, जो 2 साल में लौट आया है मगर उस 2 साल के मुताबिक अमल करता है, वो 10 साल वाले से बेहतर है जो अमल नहीं करता। हमारा एक मेयार क्या है? इल्म है, फजीलत का मेयार, बरतरी का मेयार। इल्म कौन सा इल्म? वो इल्म जो अमल के हमरा हो, अगर अमल नहीं है तो इल्म बेकार है। दूसरी चीज जो हमारे यहां मेयार फजीलत है, मेयार बरतरी है, वो है तकवा। तकवा मेयार बरतरी है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह अत्काकुम, अल्लाह की नजर में सबसे ज्यादा मुअज्जज, सबसे ज्यादा मुकर्रम वो है जिसका तकवा सबसे ज्यादा है। तकवा है ही नहीं वो तो अल्लाह की निगाहों में जलील है, तकवा है वो अल्लाह की निगाह में इज्जतदार है। अब जिसका तकवा सबसे ज्यादा, वो अल्लाह की निगाह में सबसे ज्यादा बुलंद दर्जे का मालिक है। तीसरी चीज जो इस्लाम में फजीलत का सबब है वो है जिहाद। जिहाद की सबीलिल्लाह, फ़ज़लल्लाहुल मुजाहिदीन अलल क़ाइदीन अजरन अज़ीमा। अल्लाह ने जिहाद करने वालों को बरतरी अता की है घर बैठे रहने वालों पर। ये तीनों को मैंने आपकी खिदमत में कुरान की आयत ही पेश किया है। सबब बरतरी इल्म, हमरा बा अमल, सबब बरतरी तकवा, सबब बरतरी जिहाद फी सबीलिल्लाह। ये तीनों फजीलतें हजरत अब्बास की हयात में आपको मिल जाएंगी। हजरत अब्बास के इल्म को समझना चाहते हैं कि क्या दर्जा और क्या मकाम था जनाब अब्बास के इल्म का। जनाब अब्बास का उस्ताद कौन है? अमीरुल मोमिनीन का बयान है जनाब अब्बास के सिलसिले में। आप देखें कि जब
मौलाए कायनात की शहादत हुई है, जनाब अब्बास की उम्र क्या है? तो टोटल उम्र जनाब अब्बास की करबला में कितनी है? 34 बरस। 20 बरस इसमें से माइनस कर लिए, वही 14-15 बरस की उम्र है ना। 14-15 बरस की उम्र है जनाब अब्बास के मौलाए कायनात की हयात में। मौला फरमाते इन्ना वलदी अल अब्बास ज़ुक्कल इल्मा ज़क्का, मेरे बेटे अब्बास को इल्म भराया गया है, सिखाया नहीं गया है, भराया गया है इल्म। कहने वाला कोई और नहीं, अमीरुल मोमिनीन है। मौला से बेहतर कौन अब्बास के इल्म को पहचान सकता था? इल्म की शनाख्त मौला से बेहतर कौन कर सकता है? इन्ना वलदी अल अब्बास ज़ुक्कल इल्म ज़क्का, इस तरह से उसे इल्म भराया गया है जैसे परिंदा अपने बच्चे को भराता है, उसमें कोई चीज जाया नहीं जाती है। यह है अब जनाब अब्बास के 14 साल की उम्र में। जाहिर सी बात है कि इल्म बढ़ता है घटता, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी उसमें इजाफा ही तो होगा ना। जिस अब्बास के इल्म का पैमाना 14 बरस की उम्र में ये हो, उस अब्बास के इल्म की सतह 34 बरस की उम्र में क्या रही होगी? दूसरी चीज अर्ज किया था, मेयार फजीलत क्या है? तकवा है। जनाब अब्बास का तकवा किस मकाम का था, किस दर्जे का था? छठे इमाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फिर तकवा किसे कहते हैं? तकवा यही ना जो कुछ अल्लाह ने कहा उस जिस चीज का हुक्म दिया उसे अंजाम दे, जिस चीज से रोका उससे रुक जाए, यही है ना तकवा। अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी ना करना तकवे का नाम है, रसूल की नाफरमानी ना करना तकवा है, अइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम की नाफरमानी ना करना ही तो तकवा है ना। तकवा और तो कुछ नहीं ना है। जिस चीज को वाजिब करार दिया उसे अंजाम देना, जिस चीज को हराम करार दे रहा उसे उससे दूर रहना, इसी का नाम तकवा है। छठे इमाम, मासूम इमाम से फरमा रहे हैं, खिताब करते जनाब अब्बास को, अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दु सालिह, सलाम हो तुम पर जो अल्लाह का नेक बंदा है। नेक बंदा किसे कहा जाता है? मुत्तकी को तो कहेंगे। उसके बाद तफसीर बयान करते हैं, अल मुती लिल्लाह वल अमीर अल मोमिनीन वल हसन वल हुसैन, अल्लाह का वो बंदा जो अल्लाह का भी इताअत गुजार है। अब सनद मासूम दे रहे हैं, जिसे मासूम इताअत गुजारी का किस सनद दे दें उसके तकवे के बाद तकवे का मेयार क्या होगा उसका? अल मुती लिल्लाह वल रसूल ही, रसूल का भी इताअत गुजार है, वले अमीर अल मोमिनीन अमीर अल मोमिनीन का इताअत गुजार है, वलिल हसन वल हुसैन। फिर इमाम अल्लाह को गवाह करार देते हैं, उशदुल्लाह अन्नका मजईतमा मजा बिहिल बद्रियून वल मुजाहिदून फी सबीलिल्लाह, अल्लाह तू गवाह है, तू गवाह है कि अब्बास ने वही रास्ता अख्तियार किया, उसी नक्शे कदम पे चले, वो सब कुछ कर दिया जो बद्र के शोहदा ने किया था। बहुत बड़ा मकाम है ना बद्र के शोहदा का। वो सब कुछ किया अब्बास ने जो राह खुदा के मुजाहिदीन किया करते थे। तो ये अब्बास के तकवे का मकाम है। और जहां तक अब्बास के जिहाद की बात है, जनाब अब्बास का जिहाद जबां जद खास आम है। कौन नहीं जानता अब्बास के जिहाद को? अपने बाबा के साथ रहे तो जिहाद किया, भाई हसन के साथ रहे तो जिहाद में सफे अव्वल में, और करबला का जिहाद तो खैर अब्बास का आश्कार और वाजे है। तो तीन चीजें हैं जो इंसान को फजीलत अता करती हैं, एक इल्म,
दूसरे तकवा, तीसरे जिहाद की सबीलिल्लाह। जनाब अब्बास का इल्म भी आला मेयार का है, तकवा भी आला मेयार का है और जिहाद भी आला मेयार का है। जब ये मंजिल इंसान किसी को मिल जाती है तो जाहिर सी बात है कि फिर अल्लाह उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। कल मैंने अर्ज किया था वो आयत कि इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा। जो लोग ईमान के हमराह अमल सालेह बजा लाते हैं, अल्लाह उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। जनाब अब्बास, इस्लाम में एक और अहम फजीलत है, वो है शुजाअत और बहादुरी। शुजाअत और बहादुरी पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। आप फरमाते हैं पैगंबर फरमाए इन्नल्लाह युहिब्बु शजाअ वलौ अला क़त्लिल हय्या। अल्लाह को शुजाअत पसंद है। अब जैसे शुजाअत के भी जो है वो दर्जात होते हैं ना, अपने सांप को मार लिया शुजा, आखिर सांप को देख करके रिएक्शन कुछ लोग भागने लगते हैं, डरने लगते हैं, अपने हिम्मत करके उसको मार डाला। सांप का मारना भी एक शुजात, और शेर को मार लेना वो भी बहादुरी है। लेकिन जाहिर सी बात है जो बहादुरी शेर को मार लेने में, वो बहादुरी सांप के मार लेने में नहीं है। पैगंबर फरमाते हैं इन्नल्लाह युहिब्बु शुजाअ वलौ अला क़त्लिल हय्या। अल्लाह को शुजात पसंद है, चाहे इतनी ही थी शुजात क्यों न हो कि सांप को मार ले। तो सांप को मारना शुजात, और शुजात अल्लाह को पसंद। और अगर कोई सांप देख करके डरने लगे, रोने लगे, इसीलिए मौलाए कायनात ने गहवारे ही में अजगर के दो टुकड़े कर दिए थे। जब बचपन में शजाअत का ये आलम होगा तो जवानी में भी शजाअत का क्या आलम होगा। जनाब अब्बास के शजाअत का एक नमूना कल मैं तकरीर में अर्ज कर चुका हूं। जंगे सिफीन में 14 बरस की उम्र में जब जनाब अब्बास ने अपनी शजाअत के जौहर दिखाए थे, अब्बास का नाम शजाअत से जुड़ गया है। और सबसे बड़ी सिफत जो जनाब अब्बास ने थी वो वही वफादारी, अपने इमाम की इताअत, चाहे वो मौला अली हो या इमाम हसन हो या इमाम हुसैन हो। अभी मैंने अर्ज किया कि इंसान की शख्सियत में जो चीजें मुअस्सिर हैं उसमें से एक है विरासत। अब्बास को दो विरासत मिली थी, एक अली की विरासत, दूसरे उम्मुल बनीन की विरासत। दो विरासत अब्बास को मिली थी। अब्बास की वो विरासत जो अली से मिली थी वो तो जमाने के सामने ज्यादा आ न सकी, क्योंकि अब्बास की शख्सियत में जहां अली के लहू का असर है वहीं उम्मुल बनीन के दूध का भी असर है। उम्मुल बनीन जिस वक्त ब्याह करके अली के घर आई हैं, आने के बाद सबसे पहला काम ये किया कि चौखट पर सजदा किया कि पालने वाले तेरा शुक्र, सजदा अल्लाह का है, माबूद तेरा शुक्र है कि तूने उस घर में जाने की तौफीक अता कर दी जहां फातिमा रहा करती थी। घर में दाखिल होने के बाद हसनैन के कदमों पर अपना हाथ रख दिया। अगर चेज उम्मुल बनीन अली की जौजा होने के लिहाज से हसनैन की मां है, कहती हैं बच्चों मां बन के नहीं आई हूं, कनीज बन के आई हूं। मां होते हुए भी उम्मुल बनीन हमेशा अपने को हसनैन की कनीज मानती थी, ज़ैनब कुलसूम की कनीज मानती थी। अगर उम्मुल बनीन मां होते हुए भी खुद को हसनैन की कनीज मानती थी तो अब्बास भी भाई होते हुए हमेशा अपने को गुलाम समझते थे।
ये है फातिमा, ये है उम्मुल बनीन के दूध की तासीर। तो जमाने के सामने अब्बास की जो तस्वीर आई है वो उम्मुल बनीन के दूध वाली तस्वीर आई, अली के लहू वाली तस्वीर तो जाहिर ही न हो सकी। अब्बास के दिल में हसरत ही रह गई। जब कभी मौका आया शुजात हैदरी दिखाने का, इमाम हुसैन ने रोक दिया, नहीं, अगर एक आका कह रहा है तो गुलाम को क्या हक है। वो तो अब्बास के दिल में हसरत ही रह गई। शब आशूर जब जोहरकैन ने जनाब अब्बास को एक दफा देखा और कहा, अब्बास तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी विलादत किस लिए हुई है? वो घड़ी आ गई है। एक दफा जनाब अब्बास ने घोड़े पे अंगड़ाई ली, कहा अतुश जेओनी या जोहैर, ए जोहैर क्या तुम मुझे जोश शुजात दिला रहे हो? सुबह होने दो, जमाने को शजात हैदरी के जौहर दिखा दूंगा। लेकिन अब्बास की हसरत दिल में रह गई। हाय वो जोश शजात पे वफा के पहरे, एक दरिया था जिसे इसने रवानी न मिला। अब्बास तो वफादार है ना, पाबंद है अपने आका के, आका के मंशा के खिलाफ तो कुछ नहीं कर, चाहे जज्बात दिल में दफन ही क्यों ना कर देना पड़े। वो मौका कहां मिला अब्बास को? जब जंग शुरू हुई है अब्बास हुसैन के पास आते, भैया मक्तल में जाने की इजाजत? भैया अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के अलहमदार हो। यहां तक कि वो लम्हा भी आ गया जब इमाम हुसैन ने कहा कि भैया तुम मेरे लश्कर के अलहमदार हो, तो नब अब्बास कहते, आका अब वो लश्कर ही कहां रहा जिसका मैं अलहमदार था? भैया सब तो मारे गए। इमाम हुसैन जनाब अब्बास में गुफ्तगू हो ही रही थी कि अचानक खैमे से बच्चों की आवाज आती है, अलतश अलतश, हाय प्यास हाय प्यास। इमाम हुसैन फरमाते हैं, भैया अब्बास मैदान में जाने से पहले बच्चों के पानी का इंतजाम कर दो। अब्बास दर खैमा पर आने के बाद आवाज देते, सकीना बेटा सकीना, जरा मशकीजा ला के दे देना। क्यों चचा? का बेटा तुम्हारे लिए पानी लेने जा रहा हूं। कितनी उम्मीदों के साथ, कितनी हसरतों के साथ सकीना ने मशकीजा अब्बास को दिया। बड़ा भरोसा है अब्बास पर। अब्बास मशकीजा लेकर के चले, लश्कर को हटाया, फुरात में दाखिल हुए, चुल्लू में पानी लिया, डैम के करीब लाए। अजीजो अगर अब्बास पानी पी लेते, कोई कानून कोई शरीयत अब्बास पे इतराज नहीं कर सकती थी। लेकिन अचानक रवायत का जुमला है, फजा करा अतशल हुसैन, अब्बास को भाई हुसैन के प्यास याद आ गई। अपने नफ्स को खिताब करके कहते हैं कि हे नफ्स, क्या ये हो सकता है आका प्यासा रहे गुलाम पानी पी ले? पानी अब्बास ने फेंक दिया, मशकीजे को भरा, मशकीजा भर के खैमे की तरफ तेजी के साथ जा रहे हैं। छुपा हुआ एक शकी दरख्तों के आड़ से जनाब अब्बास के शाने पे वार करता है, अब्बास का शाना कलम हो गया। जनाब अब्बास ने दूसरे हाथ से मशको अलम को संभाला, आगे बढ़ते अब्बास को अपनी जान की परवाह नहीं है, पानी किसी तरह से खैमे में पहुंच जाए। बायां हाथ भी कलम हो गया, अब्बास ने तेजी के साथ मशकीजे को दांतों से पकड़ लिया। अचानक तीर आया, मशकीजा छेदा, पानी बहा, अब्बास की उम्मीदें भी टूट गई। अब्बास ने दोबारा घोड़े का रुख फुरात की तरफ मोड़ लिया, अचानक एक गुर्द अब्बास के सर पे लगा, अब्बास के घोड़े पे संभला न गया, आवाज दी, आका जैसे ही हुसैन ने अब्बास की आवाज सुनी, कमर पकड़ ली, अलान इनका सारा दहरी, भैया अब्बास मेरी कमर टूट गई। हुसैन तेजी के साथ अब्बास की तरफ आगे बढ़े, एक जगह पे एक हाथ मिला, दूसरा हाथ मिला, उठाया,
जहां तक उस जगह पे पहुंच गए जहां नखली अब्बास जमीन पे पड़े हुए थे। इमाम हुसैन जनाबे अब्बास के सरहाने पहुंच गए। सरहाने पहुंचने के बाद जमीन पर बैठे अब्बास का सर उठा के अपने जानू पे रखा। जैसे ही अब्बास को एहसास हुआ मेरा सर हुसैन के जानू पर, फौरन सर को हटा लिया। हुसैन ने कहा भैया क्या नाराज हो गए? कहा नहीं आका, मुझे ये गम सता रहा है, दमे आखिर मेरा सर तो आपकी आगोश में, आपका सर किसकी आगोश में होगा? ए भैया फिक्र ना करो, माँ जन्नतुल बकी से आ चुकी होगी, आखिरी लम्हा होगा हुसैन का जख्मी सर और फातिमा की आगोश होगी। अला लानतुल्लाह अला कौम जालिमीन وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون। बार इलाहा तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का, हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमान। बार इलाहा सदके में अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के, जो मोमिनीन व मोमिनात बीमार हैं उन्हें शफाए कामिले आजिला इनायत फरमा। जो मकरूज हैं उनके कर्जों को अदा फरमा। जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो बेरोजगार हैं उन्हें हलाल और पाकीजा रोजगार इनायत फरमा। जो साहिब रोजगार हैं उनके रोजगार में मजीद तरक्की और उन्हें अपने बेरोजगार भाइयों की खबरगिरी की तौफीक इनायत फरमा। बार इलाहा जो बे औलाद हैं उन्हें नेक और सालेह औलाद इनायत फरमा। जो साहिब औलाद हैं उन्हें अपनी औलाद की दीनी तालीम और तरबियत की तौफीक अता फरमा। बार इलाहा शियायान हैदर कर्रार, मुहिब्बान अहले बैत अतहार, जायरान सैयद शुहदा, अजादारान मजलूम करबला, जहां कहीं भी हों उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। बार इलाहा मराजे किराम और रहबरे मुअज्जम इंकलाब इस्लामी की हिफाजत फरमा। इमाम जमाना के जहूर में ताजील फरमा। जब हजरत का जहूर हो तो हमारे आमाल ऐसे हों कि हम उनके अस्हाब व अंसार में शुमार हो सकें। अल्लाहुम्मा अज्जिल फी फरज मौलाना साहिब जमान वजअलना मिन आवानिही व अंसारिही।